वेलकम टू अनदर प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि DHA में 10 मरले प्लॉट्स की क्या प्राइजेस हैं, आपको फेजेस के बारे में भी बताऊंगा और उन फेजेस में जिन सेक्टर्स में वो 10 मरले के प्लॉट अवेलेबल हैं उनकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करूंगा। प्लस डेवलप प्लॉट्स भी हैं 10 मरले के और नॉन डेवलप प्लॉट्स भी हैं, सिंस नॉन डेवलप प्लॉट्स में एक इन्वेस्टमेंट का एलिमेंट आ जाता है, उसकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करता हूं। लेकिन लेट्स बिगिन फर्स्ट विद डेवलप प्लॉट, जहां पे आप राइट अवे परचेज करके घर बना सकते हैं। सब आपको ये बताता हूं अभी खड़ा किधर हूं। मैं अभी खड़ा हूं DHA फेज 5 में, DHA एक्सप्रेस जो वे है उसकी सर्विस रोड पर खड़ा हूँ। मेरा कैमरा घुमा के तो दिखाएं कि बड़ी खूबसूरत सड़क है ये DHA एक्सप्रेस वे DHA फेज 5 में, और यहाँ पे भी जो है वो 10 मरले के प्लॉट जो हैं वो अवेलेबल हैं DHA फेज 5 में। तो उसी से पहले शुरू करते हैं जहाँ पे फौरन आप घर भी बना सकते हैं। अच्छा, सामने आपको नज़र आ रहा होगा, थोड़ा सा कैमरा साइड पे लेके आए कि प्लांट्स लगे हुए हैं सामने उस साइड पे, ठीक है। ये है सेक्टर F। यहाँ खड़े होने की वजह भी ये थी कि आई कैन एक्चुअली शो यू सम सेक्टर्स फ्रॉम अ डिस्टेंस। ये सेक्टर F है, यहाँ पे 10 मरले के प्लॉट अवेलेबल हैं जिनकी आस्किंग प्राइस जो है वो 185 से शुरू होती है ऑल द वे टू 205 या 210। ऑफ कोर्स ब्रैकेट आपको बताने का मकसद ये है कि एवरीथिंग इज सब्जेक्ट टू लोकेशन एंड कैटेगरी एंड ऑल दैट। सो स्ट्रीट्स के प्लॉट जो हैं वो 185-190 के आस्किंग में आ जाते हैं, और जो ज़रा काफ़ी मल्टीपल कैटेगरीज भी आ जाती हैं पार्क फेसिंग या कॉर्नर, ज़ाहिर है वो फिर 2 करोड़ या 2.5 करोड़ के आगे पीछे जो है इसकी आस्किंग प्राइस हो रही होती है। अच्छा सेक्टर है बहुत ज़्यादा यहाँ पे, और जहाँ जो भी आप प्लांट्स में आपको दिखा रहा था यहाँ पे DHA का हेड ऑफिस भी फ्यूचर में आना है। सो ये बात होगी फेज़ 5 के 10 मरला सेक्टर F के प्लॉट्स की, जहाँ पे आप फौरन घर बना सकते हैं। सेकंड ऑप्शन हमारे पास जो आता है वो है DHA फेज़ 3 सबका सरीन सिटी, जो है जो बेसिकली बैरिया ने बनाई थी फिर DHA ने उसे एक्वायर कर ली। वहाँ पे भी रेडी टू कंस्ट्रक्ट 10 मरला प्लॉट अवेलेबल है जिनकी ब्रैकेट शुरू होती है 130 से लेके 175 तक, उसकी ब्रैकेट है रेडी टू कंस्ट्रक्ट हैं वो भी, और बड़ा खूबसूरत बनी हुई है सरीन सिटी। आपको स्क्रीन पे विजुअल्स भी शो हो रहे होंगे, वी शॉट सरीन सिटी एज वेल फ्यू मंथ्स बैक, जिसके विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं, बहुत खूबसूरत हैं। इट एक्चुअली फिट्स द इट्स नेम सरीन सिटी, इट्स एक्चुअली सरीन, वेरी ब्यूटीफुल। अच्छा जी, ये प्लॉट जो हैं दोनों जगह पे जो मैंने आपको बताया यहाँ पे आप फौरी फौरी घर बना सकते हैं। उसके अलावा DHA फेज 2 में भी 10 मरला के प्लॉट अवेलेबल हैं, आस्किंग प्राइस उनकी 210 से 260 की ब्रैकेट में जो 10 मरला के प्लॉट हैं रेडी टू कंस्ट्रक्ट हैं वो फौरन आपको मतलब जेक लेक जे के आप घर बना सकते हैं वहाँ पे। उनकी ब्रैकेट है 2.10 करोड़ से लेके 2.60 करोड़ तक। खैर DHA फेज 2 टोटल मैच्योर हो चुका हुआ है इसलिए वो इतना प्राइसी है, और जो मैंने F की आपको ब्रैकेट बताई या फेज 3 की ब्रैकेट बताई, आप कह लेंगे फेज़ 2 की नस्बत, मैं वो अपने वीडियोस में फेज 2 को ज़रूर यूज़ करता हूँ फॉर कंपैरिजन पर्पसेस, क्योंकि वो एक मैच्योर सेक्टर है और फुल ऑक्यूपेंसी पे ऑलमोस्ट आ चुका हुआ है। उसमें यह कि हमें एक आइडिया मिल जाता है कि एक गैप कितना है प्राइस में, जाहिर सी बात है कि प्राइस ने एवेंचुअली अपनी एवरेज पर जाना है। यहाँ पे भी सेक्टर F में भी जो मैंने आपको 185 से 205 या 210 की ब्रैकेट बताई, या सरीन सिटी में जो मैंने आपको 130 से 170 की ब्रैकेट बताई, इन्होंने भी विद द पैसेज ऑफ टाइम सरीन सिटी 2 को टच कर जाएगी, या ऐसा ऐसा 2 को क्रॉस कर चुका होगा समहाउ, वो भी कर चुका हुआ है और 2.5 तक पहुँच जाएगा, बट दैट इज़ विद द पैसेज ऑफ टाइम। नाउ ये सिचुएशन है डेवलप प्लॉट्स की DHA के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में जो मैंने आपके साथ शेयर की। अब हम बात करेंगे नॉन डेवलप 10 मरला प्लॉट की, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती हैं, उसका एक एलिमेंट आ जाता है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे होते, घर बना रहे बनाना होता है, बट दे हैव सम टाइम, लाइक 1-2 साल बाद बना लेंगे। उन लोगों के लिए सेक्टर F में बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। बेसिकली सेक्टर F में 10 मरला मैंने आपको बताया पोजेशन वाले हैं, बट उसकी कुछ स्ट्रीट्स थी जहाँ लिटिगेशन थी, वहाँ वो जगह जो है अभी रिसेंटली क्लियर हो गई है उसका एक हिस्सा। आपको स्क्रीन पर जगह का विजुअल भी शो हो रहे होंगे कि वो कुछ स्ट्रीट्स जो हैं वो उसकी लेवल हुई हुई हैं, बाकी जो उसका टीला वहाँ पे है उसकी भी कटिंग जो है वो भी स्टार्ट होनी है। उसकी जो आस्किंग प्राइस है सेक्टर F के नॉन पोजेशन 10 मरला की वो तकरीबन 165 है। 165 के आगे पीछे जो है आस्किंग प्राइस में आपको वहाँ पे 10 मरला के जो प्लॉट हैं नॉन डेवलप नॉन पोजेशन बट क्लियर, जगह क्लियर है लेवल भी हुई हुई है, आपको मिल जाता है। अब इसमें देखें इन्वेस्टमेंट के लिए आपको बड़ा क्विकली एक एनालिसिस प्रेजेंट करता हूँ और आपको आइडिया हो जाएगा कि मेरे पास मार्जिन क्यों है। अभी मैंने आपको बताया F में 185 से शुरू हो रहे हैं, 185 से शुरू हो रहे हैं विच मीन्स अगर आप 165 पे भी बाइंग करते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है ज़ाहिर आस्किंग प्राइस है सब्जेक्ट टू नेगोशिएशन है, तो आपको एक 2 मिलियन का इसमें
रेज मिल सकता है जब ये डेवलप फुली डेवलप स्टेटस पे आ जाएगा। अब कटिंग हो चुकी हुई है, थोड़ी सी गलियां हैं, इन्होंने यहाँ पे अब विद इन वन ईयर इस जगह को क्लियर करके यहाँ पे प्रॉपर डेवलपमेंट कर देनी है। एक साल के अंदर अंदर आपको ये आप ये रिटर्न रियलाइज़ कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए पॉइंट ऑफ व्यू भी अच्छा है। और सेकंड जो इसका मैंने आपको बताया, इफ़ यू आर वेटिंग, आप एक चीप जगह ले लेते हैं सभी वो फुली डेवलप नहीं है, आप बाद में यहाँ पे अपना घर बना सकते हैं, एक दो साल में आपके प्लॉट की प्राइस भी बढ़ जाएगी। सेकंड नॉन डेवलप्ड ऑप्शन 10 मरले का है सेक्टर जे में, ये बिल्कुल मेरे सामने पीछे है, ओवरसीज सेक्टर जे, ठीक है। मैं आपको उसकी प्राइस भी बताऊंगा, एंड यू विल बी अ बिट सरप्राइज्ड एज़ वेल जब मैं आपको उसकी प्राइस बताऊंगा। आप सामने हैं कि यहाँ पे काफ़ी काम चल रहा है, वो टैंकी का काम भी है, वाटर टैंक का भी काम शुरू हुआ हुआ है, और बहुत स्पीड से यहाँ पे काम कर रहे हैं। इंस्टॉलमेंट्स पे थे बेसिकली ये प्लॉट्स, और अभी यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है 90 से 105 की ब्रैकेट में, आप कह लें तकरीबन सारे जो हैं वो कवर हो जाते हैं। कुछ प्लॉट 85 की प्रॉफिट की आस्किंग में भी आते हैं। अच्छा, डोंट द प्रॉफिट फिगर मिसलीड यू कि आप 85 या 90 के लाख रुपीस दें और आपको 10 मरले का प्लॉट यहाँ पे नॉन डेवलपर मिल जाएगा, विच इज़ वेरी वेरी नियर टू पोजेशन। देखें, जिन्होंने इसकी बुकिंग की है उनको आपने डाउन पेमेंट भी वापस करनी है, उनको 5 इंस्टॉलमेंट्स भी पे करनी है। बड़ा एक्सटेंसिव भी कवर कर चुके हैं हम सेक्टर जे को, 12 इंस्टॉलमेंट्स ही थोड़ी तो टोटल तो 5 पेड हैं। आप कह लें कि एक 35-40 की सराउंडिंग में आपको अभी पे करने होते हैं, रिमेनिंग जो है वो आपने इंस्टॉलमेंट्स की मद में पे करने होते हैं। तकरीबन एक 80-85 के बीच में आपको चीज़ पड़ जाती है, डिपेंड कि आप किस लोकेशन का प्लॉट लेने और प्रॉफिट क्या, क्योंकि कुछ प्लॉट ऐसे भी हैं जो 85 के आस्किंग में आते हैं। 1.5 साल में यहाँ पोजेशन है, 1.5 ईयर्स सेक्टर जे ओवरसीज ओनली 10 मरला, 1.5 साल के अंदर जो है आप यहाँ पे आपको पोजेशन मिल जाएगी और आप यहाँ पे घर बना सकते हैं। अब इसमें भी एक इन्वेस्टमेंट की बात आ गई, जिसकी प्राइस अभी एफ के डेवलप्ड के बराबर है 180-185, मैंने आपको बताया, तो जस्ट इमेजिन कि जब ये फुली डेवलप हो जाएगा ये तो आराम से आप कह लें कि 200 जो है वो क्रॉस कर चुका होगा, ये एफ से पहले 2.5 करोड़ का माइलस्टोन हिट कर जाएगा। सो इन्वेस्टमेंट का भी एक एलिमेंट है, शॉर्ट टाइम भी है, करें 1-1.5 ईयर्स का टाइम, 1.5 ईयर्स रख लें अपने माइंड में, उसका भी टाइम है। प्लस दोज़ हू वांट टू वेट, आइडियल सेक्टर, 10 मरला ओनली, कोई कमर्शियल नहीं है, नो हैसल, वेरी कंफर्टेबल लिविंग। अच्छा जी, थर्ड ऑप्शन जो है वो नॉन डेवलप कैटेगरी में, वो है DHA फेज 5 सेक्टर F1। आपने मेरी अगर वीडियोज़ देखी हैं तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि F1 जो है इट्स राइट अक्रॉस फ्रॉम मी, आपको स्क्रीन पर शो भी अभी हो रहा होगा उसकी क्या सिचुएशन अभी, कि इट इज़ द फर्स्ट सेक्टर ऑन DHA एक्सप्रेस वे। DHA एक्सप्रेस वे पर एंटर होंगे आप, ऑन योर राइट इज सेक्टर F1, वहाँ पर जो नॉन डेवलप प्लॉट्स हैं वो 160 से 160 to 165 की ब्रैकेट में भी उसकी आस्किंग हो रही होती है। बेसिकली उनमें 10 लाख रुपीस का बैलेंस है, वो मैं ऐड करके बता रहा हूँ आपको। ज़्यादातर अगर आप वैसे मार्केट को टच करेंगे तो आपको 150 या 155 के आस्किंग में प्लॉट्स मिल रहे होंगे, बट मैं आपको वो 10 लाख बैलेंस जो है डेवलपमेंट चार्जेस वो डाल के बता रहा हूँ, 160-165 की ब्रैकेट है, ठीक है जी। उसमें ये है कि 3 साल माइंड में रखें, चूँकि अभी आपने विजुअल्स में भी देखा है कि वहाँ पर बेसिकली सिर्फ कटिंग हुई हुई है, अभी वहाँ पर काम जो है वो रिमेनिंग है, स्ट्रीट्स निकलनी है, बुलेवार्ड ने निकलना है, ग्रे टॉप, ब्लैक टॉप, सेवरेज डलनी है, पाइपिंग होनी है, वाटर सप्लाई का काम होना है वहाँ पे अभी, तो बिजली का काम वहाँ पे अभी होना है। तो ये सारा कुछ अगर माइंड में रखें तो ये तकरीबन आप कह लें कि 3-3.5 साल तक आप वहाँ पर आपको डिलीवरी हो जाएगी। अब देखिए, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ज़बरदस्त है, क्योंकि 160 या 165 में अगर आप बाय करते हैं, 3 साल वेट करते हैं, पहला सेक्टर है DHA फेज 5 का ऑन द एक्सप्रेसवे, ऑन योर राइट साइड, ठीक है। ये भी वही प्लॉट हैं जिन्होंने DHA 2 के लेवल पे एक दिन पहुंच जाना है, 2.5 करोड़ तक पहुँचे होंगे 3-3.5 साल में। सो यू कैन इमेजिन द रिटर्न दैट यू कैन पोटेंशियली मेक इन DHA फेज 5 सेक्टर F1। नाउ द फोर्थ अपॉर्चुनिटी जो नॉन डेवलप कैटेगरी हमारे पास आती है, दैट इज़ DHA फेज 3 आर्मी एलोकेशन सेक्टर जी में 10 मरला की एलोकेटेड फाइल्स हैं, जो बेसिकली आर्मी पर्सन को एलोकेट हुई। वहाँ पे आपको 10 मरला का प्लॉट 10 से 15 के आस में मिलता है, बट मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि अभी वहाँ पे लिटिगेशन है, कब क्लियर होनी है, कब कट होना है, आई डोंट नो एंड आई थिंक नोबडी कैन टेल यू कि कब ये सिचुएशन जो है वहाँ पे क्लियर होनी है। 10 से 15 की आस्किंग वहाँ पे 10 मरले का प्लॉट है, ठीक है जी। अगर आप उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रखते हैं तो सरीन सिटी पर, तो उसके सामने है आपका सरीन सिटी, 130 से 170 की ब्रैकेट में अभी चल रहे हैं, जाहिर है वो भी कल तो 3-4 साल बाद 2 तक पहुँच जाएंगे, ये जो है वो भी 2.5 तक 1.5 तक जो है वो भी आ चुके होंगे, बट
इट्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, कीप दिस इन योर माइंड इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो फॉर 10 मरला प्लॉट इन सेक्टर जी आर्मी एलोकेशन, ठीक है। सो ये 10 मरले की प्राइजेस हैं, सेक्टर्स हैं, फेजेस हैं डीएचए के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में, फेजेस में जहाँ पे डेवलप और नॉन डेवलप की कैटेगरीज मौजूद हैं। स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर शो हो रहा है। इफ़ यू वांट टू इंक्वायर फर्दर अबाउट 10 मरला प्लॉट्स, यू कैन कॉल मी राइट नाउ। थैंक यू वेरी मच।